जय हिंद दोस्तों। लगभग 15 लाख हिंदू लड़कियों का डाटा को लीक करके उसको इस्लामिक कंट्री में बेचने का काम कर रहा था ये संजय सोनी। अपने प्रोफाइल में, अपने ट्विटर अकाउंट में तो कट्टर सनातनी हिंदू लिखता है, लेकिन इसका काम है 15 लाख ऐसे हिंदू लड़कियों का, जिसका पर्सनल जो डाटा है, उसका घर का एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, यहाँ तक कि उसका अंडर गारमेंट का नंबर भी उसको हैक करके इस्लामिक देश को बेचने का काम कर रहा था। एक कंपनी है जिसका नाम है जीवामे कंपनी। इस कंपनी को कई दिनों से ये टारगेट कर रहा था। इस कंपनी का जो पर्सनल डाटा था उसको हैक करके उस कंपनी से कई दिनों से ये पैसा ऐंठ रहा था। लाखों रुपए अब तक ऐंठ चुके हैं, लेकिन कंपनी ने लास्ट में थक हार करके पुलिस में कंप्लेन किया तो ये पता चला कि इन्होंने ये संजय सोनी नाम, जो अपने आप को कट्टर हिंदू जो अपने आप को कट्टर सनातनी कहता है, वो 15 लाख हिंदू लड़कियों का पर्सनल डाटा को हैक करके इस्लामिक देश में बेचने का काम कर रहा था। लेकिन दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि एक कट्टर हिंदू, जो अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं, कट्टर सनातनी कहते हैं, सनातनी संस्कारी कहते हैं, वो अपने ही धर्म के लड़कियों का पर्सनल डाटा को लीक करके, पर्सनल डाटा को हैक करके दूसरे कंट्री में, इस्लामिक कंट्री में बेचने का काम करता है। और अपने प्रोफाइल में लिखते हैं फिर धर्म के सेवक, तो सनातनी धर्म, तो ये वो कुछ और ही लिखते हैं, लेकिन इसका काम होता है लड़कियों का ही उसका डाटा को चुरा करके, उसका डाटा को हैक करके, लड़कियों का यहाँ तक कि एड्रेस को भी चुरा करके, और उसके अंडर गारमेंट के जो नंबर होते हैं उस नंबर को भी चुरा करके, हैक करके ये संजय सोनी दूसरे देश में बेचने का काम कर रहा था कई दिनों से। ये अपने आप को एक हैकर कहता है और इसका काम है सिर्फ हिंदू लड़कियों का जो पर्सनल डाटा होता है उसको हैक करके दूसरे देश में बेचना। इस कंपनी से कई लाख रुपए ये ऐंठ चुके हैं, लेकिन कंपनी लास्ट में आकर के थक हार करके जब पुलिस में कंप्लेन किया तो इसके खिलाफ FIR हुआ और इसको फिर अरेस्ट किया गया। लेकिन वहीं पर विनय दुबे लतारते हुए कह रहा है, असल सनातनी को मजबूत करते हुए संजय सोनी जिस तरह से हिंदू लड़कियों का अंडर गारमेंट का नंबर, एड्रेस और फ़ोन नंबर को हैक करके इस्लामिक देश को बेचा जा रहा है, यही लोग असल देश के और असल सनातनी हिंदू हैं, यही लोग सनातन को मजबूत करते हैं और यही लोग देश में सबसे देशभक्ति का नारा लगाते हैं। दोस्तों, आप एक बात सोच सकते हैं, अगर कोई मुस्लिम लड़का ऐसा करता, हिंदू लड़कियों का डाटा को चुरा करके किसी मुस्लिम देश में अगर बेचता तो अब तक वो अंडर गारमेंट जिहादी बन जाता, अब तक वो कोई और जिहादी बन जाता। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से संजय सोनी ने अंडर गारमेंट का जो पूरा डाटा को लीक करके, एक हिंदू लड़कियों का 15 लाख हिंदू लड़कियों का डाटा को लीक करके, हैक करके दूसरे देश को बेचने का काम कर रहा है, इसको लेकर के गोदी मीडिया पूरी तरह से खामोश है, क्योंकि ये एक सच्चे सनातनी और सच्चे संस्कारी अपने ट्विटर हैंडल में लिखते हैं, इसको गोदी मीडिया हमारे देश में पूरी तरह से चुप है। और जिस तरह से वो ट्विटर में कपिल मिश्रा और नूपुर शर्मा को टैग करते हुए इस चीज़ को पोस्ट करते हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पोस्ट करते हैं और किस तरह के लोगों को ये टैग करके ये काम करते हैं। दोस्तों, आप ऐसे बारे में क्या सोचते हैं, इसको किस तरह का जिहादी का नाम दिया जाए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ फैज़ान, आप देख रहे हैं सच के साथ।